श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, हर गर्भवती महिला की ख्वाहिश होती है कि जन्म के बाद उसका बच्चा मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और जन्म के बाद बच्चा स्वस्थ भी हो और सुंदर भी हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हो, तो इसके लिए देखिए तैयारी तभी से शुरू कर देनी चाहिए जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके खान पान रहन सहन का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि माँ की किन गलतियों के कारण बच्चा विकलांग पैदा होता है। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला पहली बार माँ बनती है तो कई बारी देखिए जानकारी के अभाव में या कोई बताने वाला नहीं होता, जिसके कारण गर्भवती महिला छोटी छोटी गलतियाँ करने के कारण बच्चा जो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, जैसे हाथ पैर टेढ़े होना या पतले होना, होंठ कटा हुआ होना या गूंगा या बहरा, या फिर सिर में डिफेक्ट होना, ऐसे देखिए शारीरिक विकलांगता आ जाती है। दोस्तों, चलिए तो जानते हैं उन गलतियों को जिसके कारण बच्चा विकलांग पैदा होता है। सबसे पहला कारण दोस्तों, अगर गर्भवती महिला में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन की कमी के कारण देखिए हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, जिस वजह से होने वाला बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, गर्भवती महिला को भोजन में दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट जरूर खाना चाहिए और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए सुबह की पहली धूप में कम से कम 15 मिनट जरूर बैठना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए गर्भवती महिला में कई तरह के बदलाव होते हैं, इसमें देखिए हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसके कारण गर्भवती महिला का कई बार देखिए खट्टा चटपटा खाने का मन करता है। इससे माँ को तो संतोष हो जाता है, लेकिन बच्चे के लिए इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो उसमें विकलांगता के खतरे को बढ़ा देता है। खास तौर पर बाहर के खाने पीने से बचें, इसमें देखिए पिज़्ज़ा बर्गर जो रोड साइड चाट पकौड़े होते हैं, इससे अपने आप को दूर रखें। साथ ही दोस्तों देखिए, इसमें बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, बाहर का जो जूस होता है वो तो भूलकर भी ना खाएं। प्रेगनेंसी में जूस पीना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बाहर का जूस पीने से देखिए कई तरह का खतरा बढ़ जाता है। बाहर के जूस में बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो सकता है। वही कोल्ड ड्रिंक में उच्च मात्रा में देखिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बच्चे में विकलांगता के खतरे को बढ़ा देता है। तो आप बाहर की इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करें अपने आप को। साथ ही दोस्तों देखिए, गर्भवती महिला को वायरल इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को खुद की साफ सफाई पर तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साथ साफ सुथरे वातावरण में भी रहना चाहिए। साफ टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए और कहीं भी ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना जाए जहां पर बहुत तेज़ गंद आती है, यानी जहाँ से बदबू आ रही हो ऐसी जगह पर भूल कर भी ना जाए। जो भी खाने पीने का सामान लाती हैं, फ्रूट सब्जियां लाते हैं, तो उन्हें अच्छे से धोकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आजकल के समय में COVID-19 का ऐसे में देखिए इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आप भीड़भाड़ वाली जगह पर कम जाएं। अगर आप किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो यह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तीसरा है दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को ज़्यादा शोरगुल जगह पर भी नहीं जाना चाहिए, इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, उसके बहरे होने का खतरा बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जैसे DJ का साउंड या फिर ट्रैफिक साउंड, तेज़ आवाज़ में चल रहे किसी भी म्यूज़िक के कारण डॉक्टर भी बताते हैं कि बच्चे गर्भ में ही देखे बहरे यानी सुनने की शक्ति खो देता है और वो बहरा हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई म्यूज़िक भी सुनती हैं तो लाउडली ना सुने। साथ ही देखिए, पब्लिक एरिया में कई तरह के इन्फेक्शन का डर होता है, जिसकी वजह से बच्चे सुनने और बोलने की क्षमता प्रभावित होती है, बच्चा गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, अगर उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है तो उसकी बोलने की शक्ति भी प्रभावित होती है, क्योंकि कई बार देखिए अगर वो सुन नहीं पाता तो बोलना भी वो नहीं सीख पाता। अगला है दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा लंबी यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है। आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठ जाते हैं तो इससे देखिए आपके गर्भ में दबाव पड़ता है और गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी मतलब दिक्कत महसूस होती है, असहजता महसूस करता है, जिसके कारण गर्भ में पल रहे शिशु के हाथ पैरों में विकलांगता आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही दोस्तों, ग्रहण के समय पर भी आपको देखिए बाहर नहीं निकालना चाहिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। कहा भी जाता है कि उस समय गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय पर देखिए
नकारात्मक ऊर्जा पूरे वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाती है। अगर आप उस समय पर बाहर निकलते हैं तो वो आपकी श्वास नली के द्वारा वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके अंदर चली जाती है, जिसका प्रभाव आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। विशेष रूप से अगर ऐसे समय पर गर्भवती महिला सोती है तो वातावरण का जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उसकी श्वास नली के द्वारा अंदर चली जाती है, जिसके कारण बच्चे में विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भ में शिशु सारी ऊर्जा अपनी माँ से ही लेता है। अगला है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अपने मन से किसी भी पेन किलर दवाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण गर्भवती महिला को बहुत सी परेशानियों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सिर में दर्द, कमर में दर्द और सिर दर्द तो होता ही रहता है। ऐसे में देखिए, अगर गर्भवती महिला पेन किलर का इस्तेमाल कर लेती है तो जिसके कारण गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, हानिकारक होता है। पेन किलर टैबलेट गर्भ में पल रहे शिशु की ग्रोथ को में रुकावट डालता है, जिसके कारण विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी दवा अपने मन से भूलकर भी ना खाएं। साथ ही देखिए, गर्भवती महिला को अपने रेगुलर टेस्ट अवश्य करवाने चाहिए, और जो भी डॉक्टर उनको टेस्ट लिख के देते हैं उनको अवश्य करवाना चाहिए। और गर्भवती महिला को जो भी जैसे फॉलिक एसिड जो दवाइयां दी जाती हैं या जो भी उनको दवाइयां दी जाती हैं, उनको देखिए घर में ही रखना नहीं है कि आप अपने घर में या अपने कमरे में इकट्ठी कर लें, उनको रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए खून की कमी के कारण भी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है और डिलीवरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। इसीलिए जो भी आपको फॉलिक एसिड या कैल्शियम या जो भी दवाइयाँ दी जाती है तो उनको रेगुलर लेना चाहिए और रेगुलर अपने टेस्ट अवश्य करवाने चाहिए। अगर आप अपना रेगुलर टेस्ट करवाते हैं और साथ ही अपने खाने पीना का ध्यान रखते हैं तो आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ और शारीरिक और मानसिक तौर से भी स्वस्थ होता है और सुंदर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करिएगा। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।